नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता यादव। भारत समाचार के खास प्रोग्राम नक्षत्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नक्षत्र में आज हम आपको बताएंगे कौन सा दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आएगी। इन्हीं सब विधियों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। लेकिन उससे पहले मैं गुरु जी से आज की 12 राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। शुरू करते हैं मेष राशि से। संतान पक्ष से आपको अच्छी सूचना मिल सकती है और इसी के साथ किसी रुके हुए कार्य में भी सफलता का योग आज दिख रहा है। यदि आयात निर्यात इत्यादि या व्यवसायिक हैं, आप बड़ा व्यवसाय भी कर रहे हैं तो अच्छी डील मिल सकती है। लेकिन हाँ, डील के साथ थोड़ा तनाव भी है। पूर्णिमा चंद्र का उपयोग यानी प्रयोग आप जरूर करें। 6 का अंक और 5 का मतांतर से गुलाबी और लाल आज शुभ है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप या किसी के साथ साथ लंबा चल सकता है। मानसिक बोझ से आपको छुटकारा मिलेगा क्योंकि कोई शुभ सूचना भी आपको तरंगित करेगी। आप कुछ पुरानी आदतों के चलते हुए परेशान भी रह सकते हैं, उसको छोड़ने की कोशिश करिए बुरी आदतों को। हनुमान चालीसा का सुबह पाठ करिए 11 बार। 19 और लाल रंग 19 अंक याद रखिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा आज आपका कार्य धार्मिक क्षेत्र में लग सकता है। आपका मन परोपकार के कार्यों में आप कर सकते हैं व्यतीत। फाइनेंस से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रहें थोड़े सावधान। वाणी की मधुरता को आपको बनाए रखना है और पार्टनर के प्रति आकर्षण और प्रीति बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन मधुरता। शनिदेव की उपासना करें, शनिदेव का स्तोत्र पढ़ें और यदि संभव हो तो भोग अवश्य लगाएं। नारंगी रंग 2 काम शुभ है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, कोई खुशखबरी आपको आज सुनने को मिल सकती है। संतान से संबंधित विदेश में अगर कार्यरत हैं या होना चाह रहे हैं तो उसको अच्छी सूचना मिल सकती है या स्टडीज़ के लिए अच्छी सूचना मिल सकती है। संतान की व्यक्ति से धन का लाभ हो सकता है। राजनीति की दिशा में कार्यरत हैं तो लोगों को आज अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। व्यवसाय में भी विस्तार के योग दिख रहे हैं। मार्केटिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए शुभ है। ज़रूरतमंदों को भोजन कराना बहुत ही अच्छा शुभ कार्य होता है। अन्नदानम श्रेष्ठ दानम। सफेद और 7 का अंक शुभ है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, थोड़ा बस आज आलस्य से बचिएगा। काम में पूरा मन लगाइएगा। आप देखिए सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। धार्मिक स्थलों पे और मनवांछित यात्रा के योग। प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है लंबे समय बाद। आपकी दिनचर्या में कुछ बदलाव आ सकता है। जीवन साथी से आप मन की कुछ समस्याओं को बता सकते हैं। शिव जी की उपासना करें और रुद्राष्टक का पाठ करें और भोग लगाएं। हरा रंग 5 का अंक शुभ है। सिंह राशि के बाद बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपके लिए आज है थोड़ा महत्वपूर्ण दिन, इम्पॉर्टेंट दिन है आज। थोड़ा सा जिम्मेदारियों का बोझ आप वैसे उठाने में तत्पर रहते हैं, आज उठा सकते हैं, लेकिन अपनी फिजूल खर्ची को लेकर थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। पिताजी या पितातुल्य व्यक्ति से कुछ अनबन बहसबाजी होने की स्थिति को आप अवॉइड करें। मित्र आपके लिए किसी पार्टी का आयोजन इत्यादि कर सकते हैं। शुक्रवार को या शुक्रवार से संबंधित यदि आपको समस्या है शुक्र से संबंधित, तो बच्चे को कुछ मीठा दें। केसरिया रंग 3 का अंक आज आपके लिए शुभ है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, बुद्धि विवेक से आपके निर्णय बहुत तीव्र गति से होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेम जीवन में लोग साथी की प्रेम में डूबे हुए नजर आ सकते हैं। रिसर्च करने वालों के लिए यह समय शुभ साबित होता हुआ देखा जा रहा है। घर परिवार में मांगलिक कार्य आपके संपन्न होते हुए देखे जा रहे हैं। अन्नदान आपके लिए भी 3 प्रकार का शुभ रहेगा। दान करना क्या है आज का लकी अंक 10 और फिरोजी रंग आज आपके लिए शुभ है। वृश्चिक राशि की बात कर लें तो वृश्चिक राशि वालों, आज उन्नति दिलाने वाला और राजाओं की तरह रहने वाला आज का दिन। निवेश आपको कोई मन मुताबिक लाभ दिलाता हुआ नजर आ रहा है। अधिकारी आपके ऊपर लेकिन कुछ जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में यद्यपि आपकी मधुरता बनी रहेगी, गुरुवार का व्रत आप जरूर रखा करिए और केले के पौधे की पूजन किया करिए। 6 का अंक गुलाबी रंग आपके लिए शुभ है। नीला रंग भी मतांतर से। धनु राशि वालों, अतिरिक्त परिश्रम करिए और प्रयास करिए, आप सही दिशा में जा रहे हैं। दिन आपका फलदायक दिख रहा है। मांगलिक उत्सव या इंटरटेनमेंट के पर्पज से आज आपका दिन अच्छा जा सकता है।
जीवन साथी से प्रेम और गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। चारों ओर वातावरण आपका सुखद, शिवलिंग पर कच्चा दूध चांदी के लोटे से यदि चढ़ाते हैं तो आपको विशेष उत्साह प्राप्त होगा। पीला रंग तीन का अंक आ जाता है। बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, आर्थिक समस्या भाइयों की मदद से समाप्त होती हुई नजर आ रही है। विद्यार्थियों को शिक्षा में थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है, परिश्रम से ही आप जरूर जीतेंगे। संतान पक्ष की उपलब्धियां भी होंगी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम के लिए ये अभी से पूरा सप्ताह अनुकूल है। गणेश जी की उपासना करें, दूरवा अर्पित करें, गणेश स्तोत्र का पाठ करें। हरा रंग और 17 का कंपोजिट नंबर 8 आपके लिए शुभ है। बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। बड़ी खुशखबरी कोई मिलने की तरफ आपका जीवन या आपका समय कालखंड चल रहा है, उसके लिए आज का दिन आपको लाभदायक सिद्ध होगा। लेन देन से जुड़ी हुई समस्या आपकी सुलझती हुई देखी जा रही है। व्यवसाय योजनाओं में सलाह मशविरा यदि आप ज़्यादा करेंगे तो नुकसानदेह हो सकता है। शिवलिंग पे चने की दाल अर्पित करें और चने की दाल को गाय को भी खिलाएं, अच्छा रहेगा। नीला रंग मीन राशि की बात करें, थोड़ा सा मुश्किलें लेके आता हुआ दिख रहा है आज का दिन, लेकिन आपके जीवन में कुछ थोड़ी सी उथल पुथल भी होगी, उसको सामाजिक मान प्रतिष्ठा की बढ़ोतरी संभाल लेगी। सत्ता सरकार से जुड़े मामले मनचाही सफलता देंगे। हनुमान जी का दर्शन करना आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। 4 का अंक और भूरा रंग आपके लिए श्रेष्ठ है। तो ये थे आज की 12 राशियों का संक्षेप में राशि। तो गुरु जी, अभी तक आपने राशियों के बारे में बताया, अब आज का पंचांग बता दीजिए कि कौन सा समय शुभ रहेगा और किस समय राहु काल रहेगा। दिनांक 21 सितंबर 2023 षष्ठी तिथि का मान लगा है। अनुराधा नक्षत्र अनुराधा हरे सब बाधा। गुरुवार का दिन भाद्रपद मास और शुक्ल पक्ष शुभ समय 11:49 से 12:38 और राहु काल 1:45 से 3:16 सिद्ध है। तो गुरु जी, अब हमारे खास टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कौन सा दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आएगी। तो अब हम इस बारे में चर्चा करते हैं, आखिर किस तरह का दीपक हमें जलाना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार से दीप आपके जीवन में तमाम तरह की कलह दूर कर सकता है। इसे आर्थिक लाभ के लिए अगर घर के मंदिर में शुद्ध देशी घी का अगर आप दीपक जलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। शत्रु पीड़ा से परेशान है तो भैरव जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना अति अत्यंत उत्तम है। भगवान सूर्य की पूजा में घी का दीपक जलाने का सौभाग्य वृद्धि आरोग्यम वृद्धि होता है। शनिदेव के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तिल्ली के तेल के भी दीपक जलाया जा सकता है। पति की दीर्घायु के लिए गिलोय के तेल का दीपक जलाना उत्तम रहता है। पति की दीर्घायु के लिए जो महिलाएं व्रत इत्यादि रखती हैं तो ये भी एक नोट कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए तो अलसी के तेल का दीपक जलाना बहुत ही अच्छा प्रभाव दे सकता है। किसी देवी या देवता की पूजा में गाय का शुद्ध घी, फूल बत्ती या तिल के तेल का दीपक का प्रयोग होता है। भगवती जगदम्बा माँ दुर्गा सरस्वती की आराधना के लिए दो मुखों वाला दीपक ये प्रायः अच्छा रहता है। और भगवान गणेश की कृपा प्राप्ति के लिए 3 बत्तियों का त्रिकाल दीपक बहुत ही अच्छा कृपा बरसाने वाला ये होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मुकदमा जीतना चाहते हैं, 5 मुखी दीपक जला के आप आराधना शुरू करिए। देखिए भगवान कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए 5 मुखी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिकेय भगवान के पास चारों दिशाओं में और हर एक शक्ति भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भी और विष्णु जी के लिए 16 बत्तियों का दीपक जलाना चाहिए। 16 ना हो पाए तो कम से कम 4 दीपक जरूर लक्ष्मी जी की आराधना के लिए। 7 मुखी दीपक, मुख मतलब ये होता है कि कितनी आपने बाती लगाई है। इष्ट सिद्धि ज्ञान प्राप्ति के लिए गहरा तथा गोल दीपक प्रयोग में लाइए, जिसमें जो ज़्यादा देर तक जल सके। शत्रुनाश आपत्ति निवारण के लिए भी दीपक इसी प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए दीपक सामान्य गहरा होना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए त्रिकोण दीपक का प्रयोग करना चाहिए और चमेली के तेल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हनुमान जी का चोला भी चढ़ाया जाता है। तो शत्रु पीड़ा से राहत का उपयोग भैरव जी के सामने और ये जितने भी हैं बहुत ही स्वच्छ अवस्था में दीपक जलाएं, जरूर लाभ होगा। तो आज आपने जाना कि घर की सुख समृद्धि के लिए किस तरह का दीपक जलाना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुजी को कांटेक्ट भी कर सकते हैं 800-04